સુરતની લીંબાયત પોલીસ દ્વારા રાત્રિ પ્રકાશ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખેલના માધ્યમથી યુવાનોને નશા તરફ નહીં જવા અપીલ કરાઈ છે। એટલું જ નહીં પણ પોલીસ અને લોકોની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના માધ્યમથી ક્રાઇમ પર કંટ્રોલ કરવા પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે। ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ, સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે જણાવ્યું હતું કે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના માધ્યમથી લોકો અને પોલીસ એકબીજાના સંપર્કમાં આવશે। टूर्नामेंट का आयोजन इसलिए किया गया है कि नागरिक और पुलिस एक दूसरे के नज़दीक आएँ, कायदा व्यवस्था की स्थिति मजबूत हो, किसी भी गलत प्रवृत्ति में हमारा युवाधन ना जाए। नशे को ख़ास तौर पे हमें सूरत से बाहर निकालना है। पुलिस पूरी मेहनत करेगी, आप लोग पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस पूरा पूरा आपका साथ देगी। क्रिकेट, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सज्जन लोगों का गेम है, जेंटलमैनली गेम है। गेम की स्पिरिट के साथ इसको खेलिए, आनंद लीजिए। पूरे विस्तार में कायदों व्यवस्था के साथ साथ बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण करने की जवाबदारी हम सबकी है। सूरत पुलिस कमिश्नर श्री तोमर साहब द्वारा हमने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अलग अलग प्रयोगों सूरत शहर में करवा रहा है। क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ आ शहर युवाओं ने अन्य प्रवृत्ति तरफ वाड़ा एम प्रयत्न है। अने प्रयत्न में एमने लिंबायत एक कार्यक्रम जो आज शुरू थी रो खेलो लिंबायत, क्राइम छोड़ो लिंबायत, आ प्रकारना नेजा हेठ आ प्रकार सूत्र साथ आज कार्यक्रम शुरू थो जेमा क्रिकेट की रमत रमा है। टीमों आम भाग लई रही है। मने विश्वास है कि आवा प्रयोगों द्वारा युवाओं ने एक अलग एक्टिविटी पर मैं एमने माटे एक एंटरटेनमेंट थे और आपका देश में सौथी वधु लोकप्रिय क्रिकेट की रमत एनी अंदर आटली बड़ी टीमों आज भाग ले रही है। साथ साथ खूब मोटा प्रमाण में दर्शक मित्रों आ कार्यक्रम में हाजर है, ये बतावे कि आ कार्यक्रम आ टूर्नामेंट खूब सफल थे। मारी आ सफलता ने शुभेच्छा है।